गाइस वेलकम टू चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो स्टैंप पर जो एनर्जीज को चेक करने वाले हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, वो वीकली बेसिस पर रहेगी। यानी कि वीकली बेसिस पे इस पूरे हफ्ते की एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। ये जो वीक है कैसा रहने वाला है? सो गाइस सबसे पहले एनर्जीज को स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज से। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। एंड वीकली रीडिंग है ये, सो वीकली बेसिस पे एनर्जीज हम इसमें चेक करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइम पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए ओम नमः शिवाय एंड पॉजिटिव होकर देखिए हर रीडिंग को। सो आपके रिलेशनशिप के लिए वीक कैसा रहने वाला है, पूरे वीक की एनर्जीज को लूँगी गाइस मैं। सो जिन भी पर्सन के बारे में इस टाइम पर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ में कोई भी रिलेशन हो सकता है, जो भी रिलेशन है आपका, उन पर्सन के बारे में आपको सोचना है, उन पर्सन के नेम को आपको सोचना है एंड किसी भी एज के हो सकते हैं आप। सो एनर्जीज के बेसिस पे रहेगा ये प्रिडिक्शन। ये पूरा वीक आपके इस रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, सो चेक करेंगे। ओके, सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वीक के स्टार्टिंग में ही आप, मुझे लग रहा है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। किसी बात में मुझे लग रहा है कि आप टेंशन ले रहे हो, या फिर किसी कोई बात की जो है टेंशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कहीं ना कहीं चल रहा है। कोई डिसीजन हो सकता है इस वीक में अपने रिलेशन को लेकर आप लेना चाहते हो। ये वीक की ओपनिंग एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि यहाँ पर आप अपने रिलेशन को लेकर, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने रिलेशन को लेकर आपको कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है। एंड कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप ठीक करना चाहते हो अपने रिलेशन में। कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। साथ में कहीं ना कहीं अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम पर आप सोच रहे हो। उस वीक में बहुत ज़्यादा आपका जो ध्यान है पूरी तरीके से अपने पर्सन की तरफ रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर के रिलेशन में आती हुई नज़र आ रही है कि ये पर्सन इस वीक में आपको कॉल करके, या फिर आपको मैसेज करके, या फिर इस वीक में किसी भी जरिए अपने पर्सन के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जब आपके पर्सन या तो कोई स्ट्रगलिंग एनर्जीज में है, या फिर आपके पर्सन कोई चैलेंजिंग टाइम में है, या फिर कोई मदद इस वीक में जो है आपके पर्सन को कोई मदद चाहिए आपसे, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जब आपके पर्सन जो है आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ऐसी फीलिंग आपसे शेयर कर सकते हैं कि इस वीक में वाकई में उनको जो है आपकी कोई नीड है, आपकी या फिर कोई मदद चाहिए, ऐसी एनर्जी भी मेरे पास में निकल कर आ रही है। सो फ्यू मोर एनर्जीज। पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वीक में आप। किसी बात को लेकर आपको ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप पूरी तरीके से जो है अपने पास्ट को याद करने वाले हैं इस वीक में। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज में आप आ जाएंगे कि बिल्कुल इस वीक में आपका जो पास्ट है वो आपके माइंड से बिल्कुल नहीं निकलेगा। यानी कि बिल्कुल आप जो है कहीं ना कहीं फोकस मुझे अपनी चीज़ों के ऊपर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी वर्क है आपका, जो भी आपका वर्क लाइफ है, उसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो, बट आप अपने पास्ट का कुछ ऐसा है जिसे भूल नहीं पा रहे हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बार बार अगर आप कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हो या कहीं फोकस करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको जो है अपना पास्ट याद आ रहा है, पास्ट का कोई प्रॉमिस याद आ रहा है, पास्ट का कोई ड्रीम याद आ रहा है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वो चीज़ आपको नहीं मिली है जो आप डिज़र्व करते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि पास से बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एनर्जी मुझे बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। यानी कोई पास का कोई पर्सन भी है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपकी लाइफ में कमबैक हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कमबैक होने के लिए कोई स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे लग रहा है कोई, अगर आप बिग डिसीजन लेने वाले हो इस वीक में अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है केयरफुल होकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि ये जो वीक है थोड़ा सावधान रहने का वीक है आपके रिलेशनशिप को लेकर। कोई ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जब आपके पर्सन आपके लाइफ में कमबैक तो होते हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो टू ऑफ कप्स। बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वही पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप ही पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ पास्ट की एनर्जीज को भूल कर कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए कोई न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत तेज़ी से यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपके साथ में कमबैक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पास कमबैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जब ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्सन सारी पास्ट की चीज़ों को भूल कर आपकी लाइफ में कमबैक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ में
न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस वीक में मुझे यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। सो टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है, लविंग एनर्जीज रहने वाली हैं इस वीक में आपके पर्सन की तरफ से, यानी कि जो भी एनर्जीज इस वीक में रहने वाली हैं, किसी बात को लेकर आप टेंशन कर रहे हो, फिर परेशान हो रहे हो, अपने रिलेशन को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट इस वीक के जो मिड का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज से भरा रहने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। कोई लव प्रपोजल, कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। फिर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपसे लविंग फीलिंग जो है इस वीक में शेयर करने वाले हैं। कोई भी ऐसी लविंग एनर्जीज जो बड़े लंबे समय से पर्सन आपसे कहना चाहते थे, आपसे शेयर करना चाहते थे, बट किसी बात को लेकर ये पर्सन आपसे नहीं शेयर कर पा रहे थे। इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कहना बहुत कुछ चाहते थे, शेयर बहुत कुछ करना चाहते थे, बट शेयर नहीं कर पा रहे थे। सो ऐसी कोई लविंग एनर्जी इस वीक में इन पर्सन की तरफ से मुझे आपको निकल कर आती हुई नज़र आ रही है। सो इस लविंग एनर्जीज के लिए गाइस थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ओरेकल एनर्जीज से देख लेती हूँ क्या कुछ कह रही हैं ओरेकल एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप को लेकर इस वीक के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, एंड पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड पेड होती है पर्सनल प्रेडिक्शन आपकी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जो है बेस्ड होती है। सो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नीड है तभी आप व्हाट्सएप करें। ओके, सो करेज द क्रिएटर। सो इस वीक में कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको थी पास्ट वीक में या पिछले पास्ट फ्यू टाइम्स से, आप किसी ऐसी समस्या में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे जब आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि कब खत्म होगी आखिर ये प्रॉब्लम, कब एंड होगा ये टाइम, जब इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को महसूस कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस एक बहुत ही खूबसूरत चेंज मुझे इस वीक में आता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, द क्रिएटर का एनर्जीज मुझे अब बहुत ज़्यादा ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज दे रहा है कि यूनिवर्स इस वीक में बहुत सारी ब्लेसिंग जो है आपके लिए भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग जो है आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। करेज की एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे बता रही है कि भले ही आपने कुछ चैलेंजिंग टाइम देखा है, या फिर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर आप लोग के बीच में दूरियाँ आ गई थी, डिस्टेंसेज आ गए थे, चीज़ें बिगड़ गई थी, कहीं ना कहीं आप डर रहे थे, आपके मन में एक फियर था या फिर आपके पर्सन के मन में एक फियर था, बट वो फियर कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे बिल्कुल दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन की तरफ से कोई न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मुझे बार बार मिल रही है, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मुझे आती हुई नजर आ रही है, लविंग एनर्जी इन पर्सन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, यानी पर्सन खुद आपकी लाइफ में मुझे जो है कम बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। सो क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस से भरा रहने वाला है आपका ये वीक। रिलेशनशिप की बात करूँ गाइस, एंड आपके करियर के लिए एनर्जीज को मैं चेक कर लेती हूँ कि आखिर आपके करियर को लेकर क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं इस वीक में। सो करियर के लिए अगर आप एनर्जीज को चेक कर रहे हैं गाइस, सो किसी भी साइन के हो सकते हैं आप, कलेक्टिव रीडिंग है ये एंड जनरल बेसिस की रीडिंग है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूँ तो जो वीक है मुझे आपके फाइनेंस के लिए एक अच्छी सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वीक है ना कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ को लेकर आता हुआ ये मुझे वीक नज़र आ रहा है, यानी कि कोई फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे होती हुई नज़र आ रही है, कोई प्रॉफिट की एनर्जीज आ रही है, कोई मॉनेटरी गेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप एक प्रोफेशनल कहीं ना कहीं अगर आप मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी बिजनेस में है या फिर कोई आपका वर्क है, तो उसमें मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है कि फाइनेंस के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे इस वीक में नजर आ रही है। ये ग्रोथ का साइन है। साथ में अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो या फिर डिसीजन लेना चाहते हो अपने करियर को लेकर इस वीक में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की नीड है। मुझे यहाँ पर किसी आर्ग्यूमेंट की भी एनर्जी नजर आ रही है आपकी किसी भी पर्सन के साथ में, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके करियर के में अगर लाइफ से रिलेटेड बात करूँ, सो उनके साथ में अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट से जो है आपको बचना चाहिए, फिर कोई बड़ा डिसीजन जो है इस वीक से आपको लेने से जो है बचना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी से जो मुझे यहाँ पर बता दी कि इस वीक में कहीं ना कहीं आप जितना हार्डवर्क करने वाले हैं उससे भी कहीं ज़्यादा रिवार्ड जो है यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक हैप्पी रिवार्ड जो है आपका इस वीक में वेट कर रहा है। विनिंग एनर्जीज जो है आपका इस वीक जो वीक है उसमें वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है इस वीक में आपको मिलने वाली है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके करियर से रिलेटेड। सो आपके करियर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं ड्रीम कम टू बी ट्रू वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रही है आपके करियर को लेकर इस वीक में। सो गाइस, आई होप के साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।